फॉलोइंग टेबल इज़ फॉर विच लॉजिक गेट, ऑप्शंस आर एंड और नैंड एंड नॉट। तो देखो ये अगेन आपके पास जो क्वेश्चन है ये कैसा है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको अगर लॉजिक गेट आता है तो उसका ट्रूथ टेबल भी पता होना चाहिए। क्या क्या दिया है, जब इनपुट 0 0 है आउटपुट क्या है 1 है। बाद में सेकंड में देखो 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 0। मतलब जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, एंड दोनों में से कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। मतलब ये गेट कौन सा है, एंड का इनवर्ट, मतलब नैंड गेट है। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।